आज जरा तुम ये विशाल नगर कीर्तन देख रहे हो, ये उस दो जहां दे वाली दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व से निकल रहा है। उस दसम पातशाह जिन्होंने इस देश धर्म की रक्षा के वास्ते अपना सारा ही सरबंस वार दिता और उन्होंने 1699 की विसाखी वाले दिन खालसे की सिरजना करके उस अकाल पुरख की फौज बना के ये कहा कि ये फौज जड़ी है अकाल पुरख की खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटे हो खालसा परमात्म की मौज। उन्होंने खालसे नू बड़ी वड़ा रुतबा दिता। फिर खालसे ने भी उस तरह दसम पातशाह दियां लीहां दे दिनों दे उपदेश ते चल के इस देश दियां जिथे साहबजादियां ने अपनियां शहीदियां पाईयां उत्थे लखां ही सिंघां ने शहादत पा के इस देश की गुलामी दियां जंजीरां तोड़ के इस देश नू आज़ाद किया। अज जो देशवासी आज़ादी की खुली हवा च सांह लै रहे ने उस गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह की देन है जिसका असी प्रकाश पुरब मना रहे हैं। आओ सांझीवालता का पैगाम जो गुरु नानक दे घर ने दिता है वो पूरे विश्व भर फैलाइए, जो लोगों की सेवा कर सकीए, हर धर्म की इज्जत करिए। जो किसान बैठे दे ने अज दो महीने तो सड़क ते अत दी ठंड दे विच, ओ मैं दिल्ली गौरमेंट नूं कहांगा कि जल्द तो जल्द उन्हां दियां डिमांडा मन के ये काले कानून खत्म करके गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साहिबे कमाल दसम पातशाही दे प्रकाश पर्व दियां आप सब नूं लख लख वधाइयां। तो आप सब बड़पागी हो आज जिहड़े उन्हां दे इस नगर कीर्तन दे विच शामिल होए हो, और नाल दे नाल एक मैसेज जिहड़ा मैं आप जी दे चैनल दे राही देना चाहवांगा कि साहिबे कमाल दी बख्शी हुई पंजाबी माँ बोली जिहड़ी असी आप सब जाणू हो कि जम्मू सरकार ने साडे नाल पंज ऑफिशियल लैंग्वेज दे विच जिहड़ी उह शामिल नहीं कीती, ते कृपा करके मैं सरकार नूं इह मैसेज देना चाहुंदा हाँ कि पंजाबी माँ बोली नूं जल्द तो जल्द लागू किया जाए और साडे नाल जिहड़ा वितकरा है उसनूं दूर किया जाए।